वेलकम बैक। इस सेक्शन में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करंट ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि करंट ट्रांसफार्मर की कोर किस तरह से बिहेव करती है। द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैंडल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लक्स। व्हेन फ्लक्स इंक्रीज बियॉन्ड दैट वैल्यू देयर विल बी नो इंक्रीमेंट इन फ्लक्स इनसाइड द कोर ऑफ द सिटी। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ग्लास है और ग्लास में जब आप पानी डालते हैं तो एक खास लेवल तक तो वो फिल हो सकता है, उसके बाद वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। वी कैन से स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम द ग्लास, ग्लास से वो लीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका लेवल मजीद राइज नहीं होता। तो सेम जो है वो एप्लीकेबल है करंट ट्रांसफार्मर्स के लिए। उसकी जो कोर है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो हैंडल कर सकती है। जब वो फ्लक्स उसमें उसकी जो क्वांटिटी है वो फुल हो जाती है तो बियॉन्ड दैट उससे ज़्यादा हम फ्लक्स उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं तो लेवल ऑफ फ्लक्स राइज नहीं होता, जैसे ग्लास में पानी का लेवल राइज नहीं होता। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी अपनी जगह पर रुक जाता है और फ्लक्स लीक होना शुरू हो जाता है कोर से। जब रेट ऑफ चेंज रुक जाता है हमें वही पता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस तब होती है जब आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो इन केस ऑफ सेचुरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ख़त्म हो जाता है। अगर सिटी फुली सेचुरेट हो गया है तो आउटपुट जीरो हो जाएगी सिटी की। सिटी वी कैन से सिटी इज ब्लाइंड इन दैट कंडीशन। सिटी सेकेंडरी विल बी मिनिमम अप्रोच टू जीरो। पार्शली अगर सिटी सेचुरेट हो तो पार्शली इट विल अप्रोच टू जीरो। बट सिटीज जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो बिलो सेचुरेशन या बिलो नी पॉइंट ऑपरेट करें। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप करंट को करंट ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। सिटी सेचुरेशन टेस्ट किस तरह से होता है इसका सिंपल मेथड में बता देता हूँ कि सिटी सेकेंडरी साइड पे एक वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट की जाती है और वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। एक वक्त तक वोल्टेज और करंट खास रेशियो से तनासुब से बढ़ते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद हल्का सा करंट आप वोल्टेज बढ़ाते तो करंट जो है वो जो कि सेकेंडरी में फ्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है कि बिहेवियर ऑफ सिटी जो है ना वो ख़राब हो चुका है। नी पॉइंट डिफाइन करता है कि सिटी जो है स्टार्ट कर दिया उसने लीनियर रीजन से सैचुरेशन में जाना। जब 10% नी पॉइंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब 10% आप वोल्टेज इंक्रीज करें और 50% सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाए, सेकेंडरी करंट सेकेंड एक्साइटेशन करंट 50% इंक्रीज हो जाए होना शुरू हो जाए तो वो रीजन हम कहेंगे द सिटी हैज स्टार्टेड टू सैचुरेट। सो ये सैचुरेशन अंडर सैचुरेशन रीजन में आ चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ ये जो रीजन है ये अंडर सैचुरेशन रीजन है और बियॉन्ड पॉइंट सी हेयर आप ये देख सकते हैं कि सिटी इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। इट्स अ फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन का मतलब ये है कि सिटी आपका मुकम्मल ब्लाइंड हो चुका है, मुकम्मल सैचुरेट हो चुका है। रिले विल नॉट सेंस एनी फॉल्ट। अगर आपका सिटी सैचुरेट हो गया है तो रिले कोई भी फॉल्ट को नहीं सेंस कर सकती। अगेन ये एग्जाम्पल है इसकी। ये स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि शुरू में कुछ करंट चाहिए होता है रिले को, करंट ट्रांसफार्मर को, उसके बाद ये लीनियर करेक्टरिस्टिक्स अचीव होते हैं। ये लीनियर रीजन कहलाता है, जहाँ से ये लीनियर करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होते हैं वो एंगल पॉइंट कहलाता है। और ये जो नी पॉइंट है इसके हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे हम डिस्कस किया था मल्टी कोर सिटीज, वन कोर was production, another core was meeting city. तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो meeting city की characteristics हैं वो different है as compared to the production city. So meeting city जो है ना वो they are tend to saturate earlier than the production city. तो meeting city का जो knee point है वो कम होगा, production city का knee point ज़्यादा होगा और दोनों बिल्कुल different तरीके से काम करते हैं। जो meeting city है उस तरह design किया जाता है कि जब fault आता है तो meeting city सैचुरेट कर जाए और वो करंट जो है ना वो फीड ना हो मीटर्स को, जबकि प्रोटेक्शन सिटी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ड्यूरिंग फॉल्ट टाइम वो करंट को सेंस कर सके और वो रिले को फीड कर सके। और रिलेज भी इस तरह से डिजाइन होती है कि वो हाई करंट जो है वो बेयर कर सकें ड्यूरिंग फॉल्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो रेटिंग है रिलेज की 70 टाइम्स टू 100 टाइम्स रेटेड करंट वो
फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बेयर कर सकती हैं, जबकि मीटर्स 5 to 7 टाइम्स रेटेड करंट बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छा एग्जांपल है कि करंट ट्रांसफार्मर्स नी पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, मीटिंग एंड प्रोटेक्शन कोर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।